इस समय पूरा देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग असहाय और गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संकट के समय ग्राहकों की मजबूरी का फायदा उठाकर एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बेचकर कमाई करने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही लोगों के खिलाफ इंदौर जिले के देपालपुर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें स्थानीय प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग, नगर परिषद ने संदीप किराना स्टोर पर शिकायत के बाद दबिश दी है, जिसमें शासन द्वारा प्रतिबंधित सामग्री जैसे तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन आदि जब्त कर पंचनामा बनाया गया है। आपका नंबर होगा ना? एक मिनट, इसके अलावा भी आपका और कहीं साइड में अगल बगल में नहीं, इसके अलावा नहीं है ना? नहीं, आपका नंबर नहीं, व्हाट्सएप करना है क्या? नहीं, गए थे कि यहाँ पे ना कुछ मिलावटी बेच रहे हैं ऐसा, तो जब मतलब मौके पे बिले पहुँचे तो यहाँ पे कुछ एक्सपायरी डेट का था और ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट से थे जिनपे बेच नंबर, पैकिंग डेट वगैरह नहीं था, तो वो हम लोगों ने रजिस्ट्राई निकलवा के उसको भी हम लोग मौके पे ही रजिस्ट्राई करवा रहे हैं। और बाकी दुकान और भी जो कुछ कमी वगैरह था, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह अच्छे से नहीं रखा हुआ था प्रॉपर, तो हमने इनको समझा दिया है और इनको कुछ समय दिया हुआ है कि वो अपनी समय सीमा में अपना सुधार कर लें। फिलहाल लॉकडाउन है तो जैसे अगर शिकायत वगैरह कहीं मिलती है कि दुकान वाले की तरफ से, तो बिल्कुल हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर। तो आगे अगर और भी कुछ होगा तो देखते हैं कार्रवाई। ये श्री तहसीलदार साहब बजरंग सर के, इसमें बजरंग बहादुर सर के निर्देशन में की गई है और मेरे साथ हिमानी सोनपाट की खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो इंदौर से ही आई है। तो हम लोग, आपका शुभ नाम? कीर्ति रावत। एक रूटीन जांच थी, लॉकडाउन के निर्देशों को पालन करते हुए जो बाज़ार में किराने की दुकानें खोली गई हैं और उसमें लोगों को सही सामान की सप्लाई हो रही है अथवा नहीं हो रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और आज इंदौर से फूड एंड सेफ्टी के ऑफिसर्स आए हुए थे, उनके साथ यहाँ संदीप किराना स्टोर्स में इनके गोडाउन में आकर जांच किया गया और जो सामग्रियाँ या तो आउटडेटेड थी या उनमें किसी प्रकार से तारीखें नहीं लिखी थी या उनका कोई हिसाब नहीं था, तो ऐसे खाद्य सामग्रियों को यहाँ से निकाल कर नगर परिषद के माध्यम से उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसके अलावा ये गोडाउन में इनको किस प्रकार से सामग्रियों को रखा जाना है, जैसे खाद्य सामग्री जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अलग रखें, जो दूसरे प्रकार के यूज की सामग्रियां हैं उनको अलग रखें, सुरक्षात्मक उपाय क्या करना है, जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर जैसे उपकरण इनको प्रॉपर तरीके से रखना है, ये सब इनको समझाया गया है और फूड एंड सेफ्टी के ऑफिसर्स के द्वारा इनको लिखित में जो इसका कंप्लायंस मांगा जाएगा अभी, और उसके बाद फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई। नगर में प्रशासन की औचक कार्रवाई से जहां अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया है, वहीं अधिकारियों की टीम आगे भी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। खबर मध्य प्रदेश के लिए देपालपुर से संदीप सैन की रिपोर्ट।